हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड, अगर आपने हमारे ऊपर की अब तक की वीडियोस नहीं देखी हो तो यहां से मैं सारे मैचेस कवर कर चुका हूँ। चार आई थिंक यहाँ पे T20 ब्लास्ट के मैं कवर कर चुका हूँ, सारे मैचेस में यहाँ पर कवर कर चुका हूँ ऊपर के। अगर आपने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो हमारी वीडियोज़ में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हो। KPL का भी जो एक मैच खेला जाने वाला उसकी भी मैं यहाँ पर टीम यहाँ पर दे चुका हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर T20 ब्लास्ट का, जो यॉर्कशायर और डरहम का जो मैच खेला जाएगा इसकी वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना। और यहाँ पर जो पब्लिक YouTube पर केवल टीम प्रीव्यू देखने के लिए आते हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि हम आपको टीम प्रीव्यू पहले ही दे देंगे, ताकि आपको वीडियो को स्किप करके ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। तो आपको टीम प्रीव्यू यहाँ पर पहले ही देखने को मिलने वाला है। बाकी फ्रेंड, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और स्पेशली वो भाई लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, आप ही का फायदा होने वाला है, क्योंकि इतनी वीडियोज़ आपको किसी चैनल पर नहीं मिलने वाली, केवल हमारे चैनल पर आपको इतनी सारी वीडियोज़। हर मैच को हम यहाँ पर कवर करते हैं और हर मैच को डीपली यहाँ पर आपको टीम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें। तो चलिए बात कर ले टीम का प्रीव्यू मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में पहले दूंगा, क्योंकि अभी तक लोग यहाँ पर टीम प्रीव्यू देखने आते हैं, टीम प्रीव्यू से अपना आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि इतने समझदार होते हैं, उन्हें किस तरह की टीम बनानी है और किस तरह वो पब्लिक टीम बना रही है ये सब चीज़ देखने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बाहर आना, टीम प्रीव्यू देखने के बाद अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आ सकते हो। बाकी जो लोग अपनी टीम में थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखा के एक या दो प्लेयर चेंज करके आपको सजेशन लेके हमारा टीम को थोड़ा अपनी विनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना है। तो चलिए, विकेट कीपर में यहाँ पर स्टुअर्ट पॉइंटर को लिया हुआ, जो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद बैटिंग में पीटर हैंडसकॉम है, ग्राहम क्लार्क को लिया हुआ, स्कॉट स्टील को लिया हुआ, एडम लिथ को लिया और टॉम कैटमोर को लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग में ऑलराउंडर मैंने दो ऑप्शन के वो ले रखे हैं, DRC शॉट और डेविड विलियो को लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो बॉलिंग में जो बेस्ट ऑप्शन मुझे तीन लगे हुए, मैंने तीनों को रखा, बी क्रेस को रखा, मैट पॉट को रखा और यहाँ पर डी बैस को रखा हुआ। डी बैस को थोड़ा क्रेडिट की वजह से रखना थोड़ा मजबूरी सी बन गई है, बाकी मैं टॉस के बाद देखता हूँ। मैं क्योंकि फ्रेंड इनमें से किसी पर रिस्क जरूर लूँगा ड्रॉप करके, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऑलराउंडर एक्स्ट्रा जरूर बढ़ाऊँगा इस बीच पे। बाकी अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको अपडेटेड टीम जो आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेटेड टीम मिल जाएगी टॉस के बाद। बाकी ये रहेगी हमारी 11 प्लेयर की टीम। अगर आपको हमारी टीम ये पसंद आती है तो आप इस टीम के साथ जा सकते हो, आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये टीम विन करा सकती है, तभी इस टीम से जाना, अदरवाइज अपना एक या दो चेंज आपको कर लेने हैं। तो चलिए अपना टीम को मैं आपको एडिट करके बताता हूँ, किस किस प्लेयर को आप ले सकते हो, कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। जो लोग प्रीव्यू देख के बाहर जाना चाहते हो जा सकते हो, बट वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर देना। तो चलिए मैं आपको टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ कि टीम मैंने यहाँ पर किस तरह से बना रखी है। बाकी फ्रेंड, अगर प्लीज़ चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए, विकेट कीपर में आपके पास एक ऑप्शन और है यहाँ पे टैटरसल, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। प्लेयर अच्छे हैं बट काफ़ी नीचे आते हैं, तो मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी यहाँ पर पीटर हैंडसकॉम को रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एडम लिथ हैं, कैटमोर हैं, ग्राहम क्लार्क है, जैसे कि मैं आपको प्रीव्यू में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि ये प्लेयर्स हैं। आपके पास ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे एलेक्स ली को लेना था, ली को ले सकते हो। उसके बाद गैरी विल्सन यहाँ पे आई थिंक खेलने वाले होंगे, लास्ट मैच में खेले हैं नहीं खेले एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं खेले फ्रेंड ये निकल चुके हैं यहाँ से, आई थिंक ये इस मैच में नहीं खेलेंगे। बाकी यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन बचते नहीं है हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए। तो चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर मुझे बेस्ट लगे, मैंने आपको टीम प्रीव्यू में दिखा दिया है कि किन किन को मैंने यहाँ पर रखा हुआ, और बाकी आपको मैं यहाँ पर सेशन बता दूंगा और आपको जो ऑप्शन है आपके पास आपके लिए बेस्ट वो आप ऑप्शन यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो बाकी तो फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, ताकि वहाँ पर आपको अपडेटेड टीम्स हमारी मिल सके। DRC शॉट को लिया और डेविड विलियो को लिया फ्रेंड, यहाँ पर टीम रेशन आपके लिए पास अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर जो है जो कुछ खास ऑप्शन है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है वो है ट्रेस्किस। ये भी खास इसलिए है क्योंकि हर मैच में दो एक विकेट ले जा रहे, तो इसलिए थोड़ा खास है। अगर आप किसी पर यहाँ से रिस्क लेके अगर रख सको ट्रेसिस को यहाँ पे, तो यहाँ पे आप किसी पर रिस्क लेके रख सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे खेलने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे बताया गया। बाकी यहाँ पे बॉलिंग में यहाँ पर रिमिंगटन आपके पास ऑप्शन है, डेन ऑलिवर फ्रेंड, डेन ऑलिवर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो इन बॉलर को। बाकी यहाँ पर मैट वॉट को रखा हुआ, मैंने डीप बैस को मैंने जैसे कहा आपने कि यहाँ पर क्रेडिट मैनेज करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इनको रखा। अगर कैसे मैं टॉस के बाद देखूँगा अगर क्रेडिट मैनेज होता, मैं डी ऑलिवर को यहाँ पर जरूर रखूँगा। उसके बाद मेरे तीसरे बॉलर यहाँ पे मैंने बी क्रेस को रखा, जो अधिकतर हर हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम में आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, तो आप इनको जरूर रखना, इनको और मैट पॉट को, इन दोनों को तो जरूर रखना। बाकी तीसरे पर आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, डी बैस की जगह मैथ्यू प्लान से फीचर अगर मैं कोई खेलता तो इन ऊपर ले सकते हो रिस्क। बाकी मैं भी फिलहाल डी बैस को यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो ये है हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम,
अगर आपको हमारी टीम पसंद आ जाए तो ही हमारी टीम से जाइए। बाकी फ्रेंड अगर आप लोग प्लेयर स्पॉट में इंटरेस्टेड हो थोड़ा ड्रीम इलेवन से हटके खेलिए, क्योंकि ड्रीम इलेवन पर कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। प्लेयर स्पॉट काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपकी विनिंग इंप्रूव हो सकती है हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा जिससे यूज़ करके आप बोनस ले सकते हो और हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में किसी में भी 100% यूज़ कर सकते हो। बाकी फ्रेंड वेरीफाई सब कुछ कर लेना है आपको, ताकि आपको विड्रॉल में दिक्कत ना आए। प्रॉब्लम्स अगर आपको कोई आती है इस तरह की तो मुझे व्हाट्सअप करके जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगा। तो चलिए फ्रेंड कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन यहाँ पर एडम लिथ को बनाया और वाइस कैप्टन में डीआरसी शॉट को बनाया। दुनिया यहाँ पर डीआरसी शॉट को कैप्टन बनाने वाले, और वाइस कैप्टन एडम लिथ को या फिर स्कॉट स्टील को इनको ट्राई करने वाले। बाकी मैंने थोड़ा उल्टा किया, क्योंकि एडम लिथ भी आप बॉलिंग ही कर रहे हैं, वो भी बॉलिंग करते हैं, अपने चार ओवर पूरे करते हैं और बैटिंग में ओपनिंग आते हैं, वैसे डीआरसी शॉट का अपने तीन चार ओवर पूरे कराते हैं और अपनी ओपनिंग करते हैं, तो दोनों ही सेम है। बाकी दुनिया से थोड़ा हट के रहना, क्योंकि कोई भी प्लेयर कुछ भी करता था, किसी को अंडर एस्टिमेट करना गलत है। कोई भी प्लेयर यहाँ पर कुछ भी कर सकता, हो सकता है एडम लिथ जीरो पाउट हो सकता, हो सकता है डीआरसी शॉट जीरो पाउट हो जाए, तो ये सब कुछ हो सकता है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पर फंटेसी प्लेयर है जो सालों से खेल रहे, जिनको एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ को समझते हैं। बाकी जो नए लोग हैं, नए लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये मत समझना अगर हमारा कोई प्लेयर फ्लॉप हो गया तो हमें टीम देनी नहीं आती, हमें खेलना नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं। हमें फ्रेंड 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल से हम इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, तो हमें पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। अब कभी कभार किस्मत के प्लेयर खराब हुआ अगर चला जाता है, उसमें कोई क्या कर सकता है, आप क्या, भगवान कुछ भी, कोई कुछ नहीं करता, और हम कोई टाइम मशीन नहीं है। हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है, आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे न्यूज़ वगैरह अपडेट वगैरह और आपका जो रिस्क जो रह सकता है ठीक, वो सब यहाँ पर बताते हैं। बाकी आपकी मर्जी होती है आपको क्या करना होता है। तो ये रहेंगे हमारे हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर आप यहाँ से हटके थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं तो हटके यहाँ पर स्कॉट स्टील काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, पीटर हैंडकॉम काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, कैडमोर काफ़ी अच्छा, और ऊपर से ग्राहम क्लार्क। ग्राहम क्लार्क को बहुत कम लग यूज़ करने वाला है हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके अगर करना चाहते हो, जिस हिसाब से लीड्स के पीछे काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पर बन जाता है, ग्राहम क्लार्क जो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में। अगर ग्राहम क्लार्क अगर हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में आप बनाते हो, अगर अच्छा खासा स्कोर करके डीआरसी शॉट अगर यहाँ पर एडम लिथ कोई फ्लॉप रह गए तो आपके विनिंग के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ग्राहम क्लार्क भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, ये लोग यहाँ पर जो पुराने लोग हैं जो जिनको पता है प्लेयर्स के बारे में, वो लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। तो बाकी मैं सजेशन नहीं दूंगा आपको हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी डीआरसी शॉट और यहाँ पर एडम लिथ काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन में। तो फ्रेंड ये थी हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। अगर आप लोग इस टीम से सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये टीम विन कर सकती है, तभी हमारी टीम से जाना, अदरवाइज अपना आपको एक या दो चेंजेस कर लेने जो आपकी विनिंग को थोड़ा इंप्रूव कर सके। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर आज मैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बात करके यहाँ पर टीम बना रहा हूँ। इसके बाद 3 मैचेस की टीम्स और कवर करने मुझे यहाँ पर, जो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगा, किसी और चैनल पर इतनी वीडियोज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको अपडेटेड टीम्स यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।